ઓકે લેક્ચર ચાલુ કરી દઈએ છીએ આપણે અગેન કમિંગ બેક ટુ ધ લેક્ચર ઓકે સો અહીંયા આપણે વાત કરી હતી ઓઝોન લેયર કી હમ લોગો ને વાત કી થી બેસિકલી ઓર ઉસકો હી હમ લોગ આગે અભી કન્ટિન્યુ કર રહે હૈ એન્ડ નાઉ કમિંગ ટુ મેનેજિંગ ધ ગાર્બેજ વી પ્રોડ્યુસ ઉસકે બારે મેં થોડા જ अनम्यूट कर दीजिए प्लीज इनका भी म्यूट सॉरी म्यूट कर दीजिए अनम्यूट हो जाता है कभी मिक्सअप हो जाता है म्यूट कर लीजिए अनम्यूट इन आवर डेली एक्टिविटीज वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे व्हाट आर सम ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल व्हाट हैपेंस आफ्टर वी थ्रो देम लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू आंसर दिस क्वेश्चन तो एक एक्टिविटी आपको बताइए कि डेली बेसिस पे बहुत सब वेस्ट बहुत सब गार्बेज हम लोग जनरेट करते हैं ओके चाहे वो बॉटल हो प्लास्टिक की बॉटल हो मिल्क पैकेट हो एम्प्टी कार्टून सो कार्टून मतलब बॉक्सेस हो या फिर किचन का वेस्ट कुछ हो अलग अलग टाइप के इवन हम लोग जितनी भी जगह पे जाते हैं हम लोग जहां जहां पे जाते हैं वहां वहां पे वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं हम लोग स्कूल में जाएंगे तो भाई पेंसिल जो हम लोग शार्प करेंगे उसमें भी वेस्ट निकलेगा हम लोग कहीं और जाएंगे गार्डन में जाएंगे तो गार्डन में हम लोग कोई कोल्ड ड्रिंक पिएगा उसमें भी वेस्ट निकलेगा तो ह्यूमन बींग का जहां जहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है वहां वहां पे वेस्ट निकलना मुनासिब है वहां वहां पे वेस्ट जाता ही है ओके और ये कहीं ना कहीं क्या हो जाता है एक एनवायरमेंट का काम हो जाता है और वो एनवायरमेंट उसको क्या कर देता है डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोसेस कर देता है लेकिन अगेन बात वहां पे आगे रुक जाती है एनवायरमेंट तो तब उसको मान लीजिए कि उसको खत्म कर पाएगा उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा जब वो डिग्रेडेबल हो जब उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर वो चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल है नॉन डिग्रेडेबल है तो क्या होगा तो ये चीज हमको समझनी है कि जब भी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है एनी वेस्ट प्रोडक्ट आप ऐसे ऐसी चीज खाओ या ऐसी चीज कंज्यूम करो जो डिग्रेडेबल होना चाहिए आपको मिनिमम यूज करना है नॉन बायोडिग्रेडेबल का या नॉन डिग्रेडेबल चीजों का जैसे हो सके उतना प्लास्टिक कम लीजिए प्लास्टिक कम यूज कीजिए समझ में आ रहा है आपको जितने भी हम लोग कोई भी चीज पे जा रहे हैं तो यानी कोई भी जगह पे जा रहे हैं अब वो हमको ऑफर करता है कि भाई सर आप प्लास्टिक की बैग ले लो तो आप वहां से उसको थोड़ा ना बोल सकते से नो टू प्लास्टिक बैग्स ओके तो ऐसी बहुत सब चीजें आप कर सकते हो डेली लाइफ में जहां पे आप अपना कंजप्शन हालांकि अवेयरनेस बहुत बड़े फ्लैच पे आनी चाहिए लेकिन आप छोटा सा भी इन्वॉल्वमेंट लेके उसको अच्छा बना सकते हो गार्बेज जितना ज्यादा कम हमारे एनवायरमेंट में जाएगा उतना कम हमारे एनवायरमेंट को डिस्ट्रक्शन डिस्टर्बेंस भी कम होगा एंड डिस्ट्रॉय भी कम होगा ओके तो वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन द लाइफ प्रोसेसेस दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय द वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन एंजाइम जो होता है ना वो स्पेसिफिक होता है उनके एक्शन में Specific enzymes are needed for the breakdown of the particular substance. जो enzyme breakdown के लिए बने गए हैं जो enzyme तोड़ने के लिए बने गए हैं किन चीजों को कि भाई कोई भी food particle है तो वो food particle को तोड़ते हैं तो वो enzyme उसी तरह से work करेगा Okay? That is why we will not get any energy if we try to eat coal. Okay? मान लीजिए कि आप जो खाने के लिए आप कुछ खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर भी ऐसे enzymes आए हैं जो enzyme उसको breakdown करेगी और आपको energy provide करेगी माने कि फूड है तो आपने फूड कंज्यूम किया तो फूड से आपको एनर्जी मिलती है वो आपको पता है आपने मान लीजिए राइस एंड दाल खाई तो राइस एंड दाल खाएगी तो वो हमारे अंदर के एंजाइम है जो ये फूड पार्टिकल पे एक्ट कर सकेंगे और ये फूड पार्टिकल पे एक्ट करके वो क्या कर सकेंगे उसको तोड़ सकेंगे वो तोड़ सकेंगे और आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकेंगे लेकिन लेकिन अब मान लीजिए आप कोल खाते हो तो कोल पे एंजाइम वर्क नहीं करेगा तो अगर उस पर एंजाइम नहीं वर्क करेगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो यानी स्पेसिफिक एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम का मतलब क्या होता है ये जो चीज है देखिए एंजाइम्स के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ आगे हम लोग बात करेंगे इसकी बिकॉज ऑफ दिस मेनी ह्यूमन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया और अदर सेप्रोफाइट्स ओके सो एंजाइम्स क्या है तो एंजाइम्स हमारे शरीर के अंदर आए हुए काफी सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है रेदर हम लोग बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया है तो एंजाइम्स एक बैक्टीरिया है जो चीजों को फास्टर एक सिंपल प्रोसेस में कन्वर्ट करने लग जाते हैं बाय अ फास्टर टाइम ओके फटाफट वो क्या कर देते हैं उसको तोड़ने लग जाते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स चीजों को वो कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल चीजों में दैट आर एंजाइम
this material will be acted upon some physical process like heat and pressure, but under the evident condition found in the environment, these are persist for a longer period of time. क्या बोला हुआ है कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को तोड़ा जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही हीट और प्रेशर की जरूरत है. उसको आप जलाओगे तो खत्म होगा शायद, लेकिन अगर वो एनवायरमेंट में यूं ही पड़ा हुआ है तो वो कोई भी टाइप से खत्म नहीं हो सकता, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा नहीं सकता, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. Substances that are broken down by the biological process are said to be biodegradable. देखिए biodegradable की definition आ गई है जो मैंने आपको बताया था. Degradable का मतलब action of the microorganism or action of bacteria and viruses. तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, biodegradable की definition है, important definition है. Substances that are broken down by the biological process. यानी ऐसे substance जो biological process से टूट सकते हो. Substances that are broken down by the biological process, यानी ऐसे substance जो biological process से टूट सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, biodegradable. Biodegradable मतलब वो biological process से टूट सकते हैं. How many substances you buried were the biodegradable? Substances that are not broken down in a manner are said to be non-biodegradable. कुछ होते हैं biodegradable और कुछ होते हैं non-biodegradable. जो आसानी से टूट जाए, biological means से टूट जाए, उसको हम लोग बोल देते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जो आसानी से ना टूट सके वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल. दिस सब्सटेंसेस मे बी इनर्ट एंड मे सिंपली पर्सिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और मे हार्म वेरियस मेंबर ऑफ द इकोसिस्टम. अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में रहेंगे, एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, और जब एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस आएगा, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस है तो हम लोगों में भी डिस्टर्बेंस आएगा, ह्यूमन बींग्स भी डिस्टर्ब होंगे और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी डिस्टर्ब होंगे. और जब एक लिविंग बींग डिस्टर्ब होता है, एक ट्रॉपिक लेवल डिस्टर्ब होता है, तो अक्खा का अक्खा इकोसिस्टम भी उससे डिस्टर्ब होगा. ओके, तो ये गार्बेज का प्रॉब्लम था. अब आगे हम लोग बात करते हैं. Improvements in our lifestyle have resulted in greater amounts of the waste material generation. जैसे जैसे आज हम लोग develop हो रहे हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना, we are developing. We are developing का मतलब क्या है? कि पहले हम लोग एक मामूली से घर में रहते थे, अब आलीशान घर में रहते हैं. पहले हमारे पास एक बेडरूम हॉल किचन होता था, आज हमारे पास दो या तीन बेडरूम हॉल किचन है. पहले हमारे पास काम कमाने का जरिया कम था, आज हमारे पास बड़ी बड़ी फैक्ट्री है. तो यही चीज को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं फ्रेंड्स. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा जो स्ट्रक्चर जो है, जो प्रिमिटिव से बदलता हुआ डेवलपमेंट की ओर पे जा रहा है, डेवलपमेंट की राह पे जा रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट की राह पे भी जो आज एनवायरमेंट को जो हार्म बढ़ रहा है, जैसे फैक्ट्रीज बनाई, घर बनाए हम लोगों ने, तो उसमें काफी सब फॉरेस्ट को हमको कट डाउन करना पड़ता है, काफी सब ट्रीज को कट डाउन करना पड़ता है. और ये जो चीजों है, ये जो चीजें हैं, जब हम लोग फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री डालते हैं, तब उसमें काफी सब वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है, जो कहीं ना कहीं हमारे लैंड को, जो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को एज अ पार्ट ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन, जो कहीं ना कहीं हमारे वाटर को भी हार्म करता है. एंड इट इज बिकमिंग व्हाट, नॉन बायोडिग्रेडेबल. वो हमारे लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी काफी टाइम तक वो एनवायरमेंट में रहेगा और एनवायरमेंट के हर एक इकोसिस्टम को वो डिस्टर्ब करेगा. ओके, यानी इसका मतलब खाली लैंड पॉल्यूट नहीं होता है, खाली वाटर पॉल्यूट नहीं होता है, खाली नॉइस पॉल्यूट नहीं होता है, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि अगर वाटर में भी जाता है, सॉइल में भी जाता है, तो ह्यूमन बींग और अक्खा का अक्खा इकोसिस्टम भी पॉल्यूट होता है, जिसको हम लोगों ने एक नाम दिया था, वो नाम आपको पता होना चाहिए, इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ओके, वो हम लोगों ने देखा हुआ. ओके, नाउ चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑल्सो हैव प्लेड अ रोल विद द मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकमिंग डिस्पोजेबल. चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच of our waste becoming non-biodegradable. What do you think will be impact on this over environment? बहुत ही खराब environment पे effect पड़ेगा ये चीज के कारण. तो ये चीज हमको पता है, ये चीज हमको समझनी भी चाहिए. और इसी के साथ हमारा जो chapter है वो भी खत्म होता है. एक अच्छे तरह से हम लोगों ने ये chapter को complete किया है. So our environment chapter number 15. One more chapter has been finished by this online session. So total I think 3 or 4 chapter हम लोगों ने complete कर लिए है. So it is a nice figure, अच्छा figure हम लोगों ने complete कर लिया हुआ है. Rest, आज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे stop रखते हैं. कल हम लोगों का, क्योंकि मेरे को ये part complete करना था, ये थोड़ा मेरे को नट रहा था कि इतना part की वजह से हम लोग maths भी आधा चालू कर दिया हुआ है. So I just want to complete this part. अब हमारा totally focus कहाँ पे रहेगा, maths में रहेगा.
पॉलिनोमियल्स ऑफ फैक्टराइजेशन में कल हम लोग वापस से जुड़ जाते हैं एंड लेट्स सी हम लोग कितना फटाफट वो पॉलिनोमियल के चैप्टर को भी कंप्लीट कर पाते हैं. सो थैंक यू एंड नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके थैंक यू सर. बाय बाय. वेलकम.